उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा आज है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, गोरखपुर और इसके अलावा देवरिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। सुशील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है, माफ कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिये सौरभ, आपको बता दें 3 जिले का नहीं बल्कि केवल गोरखपुर का दौरा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आ रहे हैं और गोरखपुर के क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय रानी डिहा पे जो गोरखपुर मंडल के जो 3 जिले हैं, गोरखपुर सहित 4 जिले, उनके साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर के रानी डिहा में ये सारा बैठक होगा। सबसे पहले कुशीनगर की बैठक होगी, 1 बजे से स्टार्ट होगी, 1 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद 2 से 3 बजे तक महाराजगंज की बैठक होगी और फिर 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया की बैठक होगी और 4 से 5 बजे तक गोरखपुर की बैठक होगी और फिर 5:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के आसपास तक गोरखपुर के मेयर और पार्षदों के साथ जो है आशीष मैरिज हॉल में वो बैठक करेंगे। सारे बैठक गोरखपुर में होंगे क्योंकि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज के जितने भी निकाय चुनाव से लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं वो सभी उस बैठक में शामिल होंगे, उनके पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुमंत्र देते हुए नजर आएंगे और उनकी निश्चित रूप से निकाय चुनाव में किस तरीके से स्वीप क्लीन करना है उसको लेकर के गुरुमंत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। किस तरीके से जीत हासिल करनी है, किस तरीके से पूरा सुपड़ा साफ करना है, इसको लेकर के पूरी तरीके से जो है इस बैठक में जानकारी देंगे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 1 बजे के आसपास रानी डिहा पार्टी कार्यालय पे पहुंचेंगे और उसके बाद बारी बारी करके अलग अलग जिलों की बैठक करेंगे और उसके बाद फिर रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। जी सौरभ। सुशील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते तो जनता दरबार लगता है, क्या इस बार भी कार्यक्रम है जनता दरबार? देखिए सौरभ, इस बार जनता दरबार नहीं लगेगा क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसे में आचार संहिता लगने के कारण कोई भी जनता दरबार नहीं लगेगा, सिवाय सिर्फ योगी आदित्यनाथ मंदिर का भ्रमण करेंगे, गौशाला जाएंगे, बाकी जो नित्य काम जो गोरखनाथ मंदिर में आने के बाद करते हैं वो करते रहेंगे। लेकिन इस बार जनता दरबार नहीं लगेगा क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको देखते हुए ये पूरा जो है निर्णय लिया गया है कि जब तक ये आचार संहिता लगा रहेगा तब तक कोई भी जनता दरबार नहीं लगाया जाएगा। केवल जो है चुनाव से संबंधित वो पदाधिकारियों के साथ यहाँ के जो पदाधिकारी है, जो जिले के संबंधित संगठन के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जो है चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी खबर पर मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी सौरभ, बता दें महाराजगंज से जो भाजपा के जिला पदाधिकारी हैं और बूथ लेवल के पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं, उनको आज मुख्यमंत्री सीएम योगी द्वारा बुलाया गया है, बैठक की जाएगी। जो उनको टाइम 2 बजे से 3 बजे के बीच में मिला हुआ है, यहाँ जिले भर के पदाधिकारी जाएंगे और चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की जाएगी। बैठक में जो 3-4 नए नगर पंचायत बने हुए हैं उस पर उनका विशेष फोकस रहेगा कि किस तरह के उस पर काम किया जाए जिससे वहां की सीट निकले, जो ये सूत्र बता रहा है कि इसी पर विशेष चर्चा होने की बात कही गई है। मनोज, अगर बात किया जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो इस समय कई सारे चैलेंजेस भी है सरकार के सामने। एक तरफ विपक्षी पार्टियां सारी एक हैं और बीजेपी अलग ताल ठोक रही है। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है कि मतलब विपक्ष एकदम लगा हुआ है लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से एकदम लगा हुआ है। यहाँ की कार्यकर्ता और बूथ लेवल के भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इसी पर विशेष फोकस, किस तरह ऐसे अभियान मनाया जाए जिससे कि सीट पे कब्जा पाया जा सके, इसको लेकर बैठक की गई। कल शाम को देर शाम तक यहाँ जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में सारे लोगों ने वो मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की बात कही, उसके बाद ही वहाँ जो निर्णय होगा उस हिसाब से ही यहाँ पर काम किया जाएगा। एक सवाल ये कि टिकटों को लेकर कई सारे कार्यकर्ताओं के बीच में अब थोड़ा मनभेद भी देखने को मिला है। बहुत दिन से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया, कई सारे ऐसे भी हैं, और क्या ऐसा वहाँ भी गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कई जगह टिकट के बंटवारे के लेकर असंतुष्ट हैं, जिससे लोगों में थोड़ा सा मतभेद है, इसी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आज सीएम योगी के वहाँ उनकी बैठक बुलाई गई है, इसमें उनसे वार्ता होगा, वार्ता के बाद ही मामले में थोड़ा सा इन लोगों में शांति आएगी, इसलिए कि जो भी दावेदारी कर रहे थे उनकी टिकट कट गई है और उसी के हिसाब से दूसरे को मिलने के नाते थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी। लेकिन जब बैठक बुलाई गई है इसमें सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कल बैठक हुई, बैठक में ये निर्णय लिया गया लोग की सब लोग एक साथ कर बैठक कर ये कहेंगे कि किए कि जो भी सहयोग रहेगा सब एक साथ मिलजुल कर चुनाव में सहयोग करेंगे। चलिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशील हमारे सहयोगी भी गोरखपुर से जुड़े हैं। सुशील, अगर बात किया जाए तो निकाय चुनाव को लेकर कुछ बातें ये भी सामने आ रही थी, जैसा कि अभी मनोज से पूछ रहा था मैं, चर्चा किया, और टिकटों के बंटवारा को लेकर कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ऐसा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाइडलाइन दे सकते हैं कि नहीं ठीक है मन भेद मतभेद नहीं, कार्यकर्ता की तरह ही काम करना है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि एक कार्यकर्ता जो होता है वो इतने सालों से पार्टी के लिए जो है तन मन धन से लगा होता है, उसकी सिर्फ एक मंशा होती है कि इस तरह के चुनाव में वो सहभागिता निभा सके और वहाँ की उम्मीदवारी जो है ठोक करके और वो जीत हासिल करके वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके और अपने नाम को आगे बढ़ा सके। कहीं ना कहीं जब उसका टिकट कटता है तो उसे नाराजगी जरूर होती है और निश्चित रूप से गोरखपुर में भी नाराजगी जाहिर हुई है। तकरीबन 5 से 6 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई निर्दल लड़ रहा है तो कोई किसी तरीके से लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि देखिए हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई वो नहीं है, बल्कि संगठन ने जो अगर हमारा अनादर किया है, हमें जो है इससे अलग किया है, तो हमें अपने प्रतिभा को हमें अपने चीजों को दिखाना पड़ेगा और इस वजह से हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चुनाव लड़ करके अपने आप को जो है दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो है ताकत कितनी है, या फिर हम अपने समाज में अपने वार्ड में क्या कुछ कर सकते हैं, या हमारे वार्ड में हमारे लोगों के प्रति हमारी क्या स्नेह है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है चुनाव में देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री आज 1 बजे पहुंचेंगे तो तमाम अलग अलग जिलों के साथ जब बैठक करेंगे, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो ये मसला भी निकलेगा, इसको लेकर के भी वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाएंगे और उन्हें गुरुमंत्र भी देंगे, क्योंकि टिकट सिर्फ एक ही को मिलता है, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, सभी की इच्छाएं हैं, सभी की अपेक्षाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको एक साथ टिकट नहीं दिया जा सकता, तो इस तरह की बातों को लेकर के उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जरूर है कि आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत जरूर भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि निषाद पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को समझाना, उसके बाद निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाना, तमाम तरह की चीजें हैं। अब योगी आदित्यनाथ क्या कुछ गुरु मंत्र देते हैं ये तो आने वाले 2-3 घंटों में ही तय हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग नाराज होकर के बागी बनकर के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े जरूर हुए हैं। सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।